अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज से हम शुरू करने वाले हैं कुदरत की पहेलियाँ हल करने वाले पांच हैरत अंगेज़ लोगों की दास्तान। तो चलिए पहली दास्तान की तरफ हम आते हैं। इस दास्तान का उन्वान है जिंदा ढांचा देखने वाला आदमी। जी हाँ नाज़रीन, विल्हम ब्रॉटगन खामोश तबीयत का मालिक एक यूनिवर्सिटी में साइंस का उस्ताद था, लेकिन उसमें एक ख़ास बात थी। वो अपना मकसद हासिल करने के लिए बार बार कोशिश करता, कभी हार न मानता। 1865 ईस्वी के जर्मनी में जब वो लड़कपन की उम्र में था तो उसकी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो यूनिवर्सिटी में दाखिला ले, लेकिन उसके पास मतलूबा काबिलियत नहीं थी। इसलिए 19 साल विल्हम ने पॉलीटेक्निक कॉलेज में दाखिला ले लिया। वहाँ उसने खूब मेहनत की। नौजवान विल्हम बहुत साबिर था। वो बार बार कोशिश करता, चाहे उसे मतलूबा नतीजा हासिल करने में कितना ही वक्त लग जाए। 10 साल बाद वो एक यूनिवर्सिटी में खुद एक प्रोफेसर था। उसके पास उसका हर साल एक जैसा था। वो हफ्ते का एक हिस्सा लेक्चर देता, एक हिस्सा तजुर्बात का होता, क्योंकि वो अपनी साइंसी दरियाफ्त करना चाहता था, ना कि सारी उम्र दूसरों की दरियाफ्त के बारे में पढ़ाता रहे। वो 20 साल मुसलसल यही काम करता रहा, यहाँ तक कि 50 साल की उम्र तक साइंस के दुनिया में कोई कारनामा सर अंजाम ना दे सका। अमूमन इस उम्र में पहुँचने तक उसकी तरह के प्रोफेसर की ज़िंदगी में कुछ नया करने की उमंग बाकी नहीं रहती। वो एक खुशहाल प्रोफेसर के तौर पर रिटायरमेंट का इंतज़ार कर रहे होते हैं, लेकिन विल्हम ऐसा नहीं था। उसने लेबॉर्ट्री में अपने तजुर्बात जारी रखे। एक रात वो वैक्यूम ट्यूब्स पर तजुर्बा कर रहा था। शीशे की इन ट्यूब्स में इलेक्ट्रिक चार्ज वाली गैस भरी थी। जब उसने उनकी चमक देखने के लिए कमरे की रोशनी बंद की तो उसने एक तेज रोशनी का मुशाहिदा किया जो उसकी मेज़ से दूर एक जगह पड़ रही थी। उसने अपनी तजुर्बाती ट्यूब चंद मरतबा ऑन और ऑफ की, लेकिन अभी तक वो उस चमकीली रोशनी को देख सकता था। अंधेरे में उसने माचिस जलाई और उस जगह तक गया। उसने देखा कि एक कार्डबोर्ड जिस पर कोई केमिकल लगा हुआ था चमक रहा था। विल्हम ने अंदाज़ा लगाया कि ना दिखने वाली रोशनी की शुआ ट्यूब से निकल कर उस कार्डबोर्ड पर जाती है और उस पर लगे केमिकल में चमक पैदा करती है। उसने उस रोशनी की शुआ पर तजुर्बात शुरू किए और उसको एक्सरेस का नाम दिया। उसने मुशाहिदा किया कि ये एक्सरे ठोस सतहों में से गुजर जाती है, चाहे वो लकड़ी, शीशा और जिल्द ही क्यों ना हो। वो दरियाफ्त पर इतना खुश हुआ कि उसने खाना पीना और सोना सब अपनी लेबॉर्ट्री में शुरू कर दिया। वो एक्सरेस पर ज़्यादा से ज़्यादा तजुर्बात करना चाहता था। कुछ अरसे बाद एक दिन उसने अपनी बीवी एना को सामने खड़ा करके एक्सरेस की मदद से तस्वीर उतारी। तस्वीर ने इंसानी ढांचे को जाहिर किया। मैंने अपनी ही मौत देखी है, एना चिल्लाई। जब विल्हम की यह दरियाफ्त दुनिया के सामने आई तो वो रातों रात मशहूर हो गया। उसे फिज़िक्स के पहले नोबल इनाम से नवाजा गया। आज दुनिया में हर इंसान कभी ना कभी इस दरियाफ्त से फ़ायदा उठा चुका है। डॉक्टर इसको मरीजों की जान बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसने मेरी क्यूरी को भी मुतासिर किया, जिससे हम अपनी अगली कहानी में मिलेंगे। विल्हम राटगन को शायद उसकी सब्र और हौसले की वजह से हमेशा याद रखा जाएगा। आज की कहानी यहीं तक ख़त्म होती है। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना। अल्लाह हाफिज़।